बहनों को जो लंबे समय से इंतजार चल रहा था, अब वो समय ख़त्म होने जा रहा है। जहां बता दें आपको कि 10 जून को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जो कि जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में होने जा रहा है। जहां मैं आपको बता दूं, जिसको लेकर के यहां पर जिला प्रशासन के द्वारा लगभग तैयारियां पूरी करी जा चुकी हैं, जिसको लेकर के यहां पर बड़े स्तर पर यह आयोजन जबलपुर के गैरिसन ग्राउंड में किया जा रहा है, जहाँ लगभग 1 लाख से अधिक लाडली बहनें यहाँ पर शामिल होने जा रही हैं। जहाँ पर लगभग बड़े डोम यहाँ पर बड़े बड़े स्तर पर लगाए गए हैं, जहाँ पर जिला प्रशासन अपनी पूरी तैयारियाँ मुस्तैदी कर रहा है, जिसको लेकर के हमारे साथ यहाँ पर जिला के कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन भी हैं। जानेंगे आखिर किस प्रकार से उनके द्वारा यह तैयारियाँ की जा रही हैं। सर नमस्कार, भारत 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस प्रकार से कल का आयोजन रहेगा? पिछले लगातार 6-7 दिनों से ये तैयारी यहाँ पे गैरिसन ग्राउंड पे की जा रही है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ग्राउंड के अंदर और बाहर मिला के लगभग 1 लाख से अधिक बहनों के लिए यहाँ पे स्थान रहेगा। जिस प्रकार का उत्साह है, हम लोगों की अपेक्षा है कि उससे ज़्यादा बहनें कल इस कार्यक्रम की साक्षी बनेंगी। चूँकि पूरे ज़िले से बहनें आनी हैं, तो उसके लिए परिवहन व्यवस्था और अन्य परिवहन के साथ जो फूड वाटर ये व्यवस्थाएं होती हैं, वो सभी चीज़ें पुख्ता रूप से कर ली गई हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से भी बहनों को आने का इंतजाम किया गया है। हमने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जितनी बसेस की डिमांड है, उसको पूर्ति कराया जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में बसेस और छोटे वाहन दोनों की व्यवस्था की जा रही है। तो एज़ पर दी नीड सभी प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और कार्यक्रम बहुत भव्य होगा। और पूरे प्रदेश में लगभग 1,20,00,000 बहनों को कल माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सिंगल क्लिक से 1,000 रुपये की राशि अंतरित की जाएगी। साफ तौर पर जाहिर है, सिंगल क्लिक के माध्यम से लाडली बहनों के खातों पे 1,000 की राशि जो है यहाँ पर ट्रांसफ़र की जाएगी। यहाँ पर लगभग आपको बता दें, जिला प्रशासन RTO परिवहन विभाग के द्वारा यहाँ पर 700 बसें लगाई जा रही हैं, जो कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पर बहनों को लाने का काम किया जाएगा और यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल भी किया जाएगा। भारत 24 के लिए जबलपुर से रोहित नैयर की रिपोर्ट।